Hello guys, welcome back to my channel. Trust me, you guys are doing great, right? So आज का vlog इस बेस पर है कि जो बच्चे UCP में स्टूडेंट UCP में एडमिशन अपना लेते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह इस चीज़ पर भी परेशान होते होंगे कि उनका बच्चा किधर रहेगा, हॉस्टल्स वगैरह करीब हैं, लोकेलिटी में करीब हैं, नहीं हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, नहीं हैं। तो आइए उसका एक एक टूर लेते हैं। चलो जी, ये हम लोग जनाब एयरलाइन सोसाइटी में हैं, जो कि UCP के बिल्कुल एडजस्टेंट में ये सोसाइटी फॉल करती है, राइट? तो यहाँ पर आपको हर चीज़ फ्रेश मिल जाएगी, खाने पीने की। यहाँ हॉस्टल्स वगैरह भी बिल्कुल अवेलेबल हैं, और आपको शेयरिंग में सेपरेट फ्लैट्स, शेयरिंग में रूम्स और सेपरेट रूम्स वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ खाने पीने के लिहाज से अगर आप कहें, आप रहने के लिहाज से कहें, तो किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को किसी किस्म की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज का व्लॉग लेके आए हैं UCP के लिए, जो कि एयरलाइन सोसाइटी में UCP का एक कॉलेज है, पंजाब कॉलेज, राइट? तो पंजाब कॉलेज का हम एक रिव्यू लेके आए हैं। रिव्यू पंजाब कॉलेज के इस परस्पेक्टिव से है कि अगर जिस तरह आउटसाइड ऑफ लाहौर कई पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजते हैं UCP में, तो उनके रहने के लिए जो हॉस्टल्स वगैरह हैं, फ्लैट्स वगैरह हैं, उनकी क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरह की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पेरेंट्स वगैरह जाहिर सी बात है बच्चों को फर्स्ट टाइम उन्होंने बाहर भेजना होता है, तो उनके लिए किसी किस्म की कोई इशू, कोई परेशानी ना आ सके। तो UCP के बिल्कुल एडजस्टेड एयरलाइन सोसाइटी है, उसी के अंदर हम लोग खड़े हैं। तो आइए ज़रा हॉस्टल का रिव्यू लेते हैं। UCP पंजाब कॉलेज का एक इनिशिएटिव, UCP यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, अगर इसके परस्पेक्टिव से देखा जाए इन्होंने पंजाब कॉलेज भी यहीं पर ही बनाया है, जो कि UCP के बिल्कुल नियरेस्ट अप्रोच में है। तो ये आपको लेफ्ट राइट के तमाम हॉस्टल्स का व्यू मिल जाएगा, कि तमाम के तमाम इधर हॉस्टल्स वगैरह पाए जा रहे हैं। आपको शेयरिंग में रूम चाहिए, सेपरेट रूम चाहिए, फ्लैट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी है, किस तरह की बिलिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि एक साल से ठीक ठाक महंगाई हो चुकी है, जिसकी बेसिस पे जो भी रेंटल सिचुएशन हुआ करती थी वो हमारी जहाँ पर भी फॉल करती थी, तो अब बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गई है। तो चल रहा हूँ ये जनाब, हम लोग अप्रोचिंग में आ गए पंजाब कॉलेज के एक सब कैंपस में, राइट? तो इसके आसपास अगर आप देखें तो बिल्कुल हॉस्टल्स वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है, खाने पीने के फ्रेश स्टॉल्स, पापा जॉन्स और हर एक A to Z आपको हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाएगी। या मेडिकल स्टोर्स के परस्पेक्टिव में देखें, अगर फ्रेश मीट चाहिए, खुद कुक करना चाहेंगे, तो उसके परस्पेक्टिव में भी यहाँ पर शॉप्स काफ़ी अवेलेबल हैं, और किसी किस्म की पेरेंट्स को परेशानी नहीं हो सकती। खुद से भी स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करें तो उन्हें यहाँ पर हर चीज़ जो बेसिक यूटिलिटी है, बेसिक नेसेसिटी जिसे आप लोग कहना चाह रहे हैं, वो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से अगर मैं बताऊँ, तो गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल दोनों सेपरेट ही हैं, ठीक है? तो पेरेंट्स को इस परस्पेक्टिव से भी सोचने की जरूरत नहीं है कि जनाब जी क्या सीन चल रहा है। तो इसमें ये बॉयज़ हॉस्टल है हमारा, एक बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल है यहीं पर ही। इसी के परस्पेक्टिव में अगर आप देखें तो गर्ल्स हॉस्टल भी लाइन से ही हैं, ताकि स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस से ही यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह को मूव कर सकें। अगर उनके पास फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट का इशू अगर है, इनवर्स केस अगर देखें, ट्रांसपोर्ट का इशू है या फॉर द टाइम बीइंग अवेलेबल नहीं है उनके पास ट्रांसपोर्ट, तो किस तरह फोन करते हैं। अगर हम इस रूम की बात करें तो ये एक 3-सीटर रूम है, सेपरेट सेपरेट सिंगल सिंगल बेड लगे हैं, मैट्रेस वगैरह अवेलेबल हैं,
अटैच वॉशरूम है, साथ 3 कबर्ड्स हैं, 3 सीटर रूम है तो 3 कबर्ड्स भी अवेलेबल हैं। और मेक श्योर कि ये जब